आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की घोघर मोहल्ले के वार्ड क्रमांक 35 स्थित हबीबुल्ला खान नामक व्यक्ति की चबूतरे में एक मासूम बच्ची लावारिस हालत में देखी गई। तकरीबन 15 दिन की नवजात बच्ची को देखने के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा संबंधित थाने में सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास बच्ची के परिजनों के संबंध में जानकारी लेने लोगों से पूछताछ कर रही थी। जब कोई जानकारी नहीं मिली तो पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही करते हुए नवजात को अस्पताल ले जाने लगी। तभी तकरीबन 2 घंटे बाद एक महिला ने अपनी बच्ची होने का दावा किया। नहीं, महिला ने अपना नाम शिखा पति हेमंत स्वीपर निवासी बंदरिया बताया है। महिला की माने तो उसकी बच्ची को उसका भाई लेकर घर से निकला था, जिसे वह लावारिस हालत में छोड़कर चला गया था। महिला का कथन दर्ज करने और स्थानीय लोगों की शिनाख्ती के बाद पुलिस ने बच्ची को महिला को सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद महिला बच्ची को लेकर घर चली गई। अब सवाल यह उठता है कि बच्ची का मामा उसे घर से कैसे लेकर आया और भरी ठंडी में लावारिस हालत में छोड़कर क्यों चला गया। पुलिस फिलहाल इसकी जांच कर रही है। क्यों छोड़ गई थी? सर, हमने भाई को दी थी अपने कि हाँ पकड़े रहो, हम आते ही घर से कपड़े लेके। 2 घंटे से वो गायब है। और भाई कहाँ? तुम्हारा भाई भाग गया। कहाँ रहते हो तुम? बदलिया पास। क्या नाम तुम्हारा? शिखा। किसकी लड़की हो तुम? पति का क्या नाम है? हेमंत। भाई छोड़ के गया है? हाँ, भाई छोड़ के गया था। 3 घंटे हो गए यहाँ पड़े हुए उसको। और तुम इन घूम रही थी अभी सीसीटीवी कैमरे में, तुम इन लेके घूम रही थी ना इसको? हम लेके रहे थे, हमने भाई को पकड़ाया था हमने। दरवाजे में